हेलो फ्रेंड, मैं समीर आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो लाया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद होगा। हम सीखेंगे कि हम अपने सिस्टम के अंदर गैस कैसे स्टोर करें। LG कंपनी का डुअल इन्वर्टर है, चाहे जितना भी टन हो, 1 टन हो, 1.5 टन हो, 2 टन हो, 3 टन हो या 4 टन हो, जितना भी टन का हो, सेम काम करना है हमें, यही जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। इन्वर्टर ऐसी है LG कंपनी का, हमने सेक्शन में चार्जिंग लाइन लगा दिया। प्रेशर देखो, रनिंग प्रेशर 120 PSI बता रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले अपना गेज लगा लेना और प्रेशर देखना है, रनिंग प्रेशर कितना है। उसके बाद हम डिस्चार्ज में अपना LNK वो लगा दिए और सेक्शन में चार्जिंग लाइन लगा दिए और इसका प्रेशर हम फिर देखेंगे कि कितना है। इसका 120 PSI है, धीरे धीरे ये चेंज होता रहता है। तो अभी हाई स्पीड में चल रहा है तो 120 PSI है। तो हम क्या करेंगे, अपना LNK को, डिस्चार्ज वाले LNK को बंद करना है। तो धीरे धीरे बंद कर देगा हम इसको, ये हम बंद कर रहे हैं। फिर 35 से लेके 55 सेकेंड तक हमें वेट करना है, फिर उसके बाद हम सेक्शन बंद करेंगे। देखो ये हमारा कांटा बिल्कुल जीरो पे आ गया, अब ये हमारा वैक्यूम पे जाएगा। तो धीरे धीरे, मतलब कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड तक वेट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे किसी साथी को खड़ा करवा देंगे और उसको फ़ौरन ही बोलेंगे कि अपना सिस्टम को MCV से ऑफ कर दूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, टाइम हो गया है, अब हम सेक्शन बंद करेंगे। धीरे धीरे ये हमारा सेक्शन बंद हो रहा है। तो नीचे आप किसी को, अपने साथी को खड़ा करवा देना, कॉल पे ले लेना उसको, उसको कह देना कि फ़ौरन ही बंद कर दो। जैसे LNK बंद करे, फ़ौरन ही बंद करवा देना। तो मेरे दोस्त ने बंद कर दिया। अब देखते हैं कितना PSI है। देखो 0 PSI है, 0 से भी नीचे आ गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यही करना है हमें,